एक ओर तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, तो वहीं दूसरी ओर पुनासा तहसील के पामाखेड़ी हंडा सहित अन्य ग्रामों के किसान खाद लेने के लिए 70 किलोमीटर पामाखेड़ी से नर्मदा नगर का चक्कर लगाने पर मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बड़केश्वर सोसाइटी के द्वारा इन किसानों को खाद का वितरण किया जाता है, लेकिन नर्मदा नदी पर बने जग मूर्ति सेतु पर से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें 22 टन से ऊपर की क्षमता के वाहनों को नहीं निकलने दिया जाता। इसकी वजह से नर्मदा नगर के बस स्टैंड पर नर्मदा विकास प्राधिकरण की दुकानों को, जो भी अन्य लोगों के नाम पर आवंटित हैं, अब इन दुकानों को किराए पर लेकर खाद का गोडाउन बनाया गया और किसानों को यहां से खाद वितरित किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को लगभग 60 से 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है और वाहनों का किराया भी वहन करना पड़ रहा है। कुछ माह पूर्व प्रेस वार्ता के दौरान इस विषय पर जब कृषि मंत्री कमल पटेल से बात की गई थी, तो उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे पामाखेड़ी के किसानों को इतनी दूर न बुलाया जाए, एक की जगह 3 गाड़ियों में खाद पहुंचाएं और किसानों को परेशान न करें। लेकिन शायद कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने में अधिकारी कर्मचारी कतई नहीं कतराते। आपका नाम क्या है? ईसा लाल। कहाँ से हैं आप? किसानी करते हैं? डंठा। तो यहाँ किस चीज के लिए आए आप? खाद के लिए। तो इतनी दूर खाद लेने आए हैं, तो क्या साधन लेके आए आप? ट्रैक्टर लेके आया, किराया से। तो आप लोगों को समिति की तरफ से वहाँ खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? हाँ, नहीं करवाया जा रहा। क्या कारण बताए जा रहे हैं? ये जो खाद लेने आप लोगों को इतनी दूर से यहाँ आना पड़ता है, उसके पीछे क्या कारण है? सर, ये इस पर पुल पे से निकलने के लिए मना कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी रेत का ट्रैक्टर ट्रक वगैरह सब आ रहे, बाकी किसानों के जो खाद की गाड़ी वन जाती है, इसके लिए मना कर रहे हैं टोटल, ये नहीं निकल पाते। बाकी नहीं, जैसे मंत्री जी ने अभी बीच में निर्देश दिए थे कि भाई अगर यहाँ से बड़े वाहन नहीं निकलने दे रहे, तो छोटे वाहनों में 2 या 3 गाड़ियों में ले जाके और किसानों को वहाँ पे पहुँचाया जाए, ना कि यहाँ बुलाया जाए। बिल्कुल है ना सर, पर ये लेके नहीं जा रहे समिति वाले। मतलब इसमें समिति वाले कहीं ना कहीं परेशानी दे रहे हैं आप लोगों को। सर, ये किराया का ट्रैक्टर करके लाना, बाकी यहाँ से लड़कियों लेके आना, सारी चीजों में पैसे की आपत आती है यहाँ पे आने में। तो आपका नाम? आपका नाम? ओम पटेल। कहाँ के? डंठा के निवासी। क्या कोई किसान को नहीं बोला होगा? वो गाड़ी छोटी गाड़ी ले, कहाँ लिखा हुआ की ट्रक में जाएगा? एक ट्रक की जगह 4 आइसर भेज दो और सीधे FOR कंपनी के वहाँ से। हमने करा दिया कि सीधे किसान को नहीं बुलाएंगे। अच्छा, तुम 2,50,000 में डालते हो ट्रांसपोर्टिंग, फिर हम माली, और फिर किसान को बुलाते हो, आज टोकन दोगे तो 80 किलोमीटर आएगा जाएगा, इतने चक्कर लगाएगा। तो सीधे FOR गांव में पहुँचाओ, घर पहुँच सेवा, ठीक है ना? मुका DMO का नंबर क्या उसके बताऊँगा अभी देखो। क्या नाम है? 2,50,000 कितने दुकाने हैं जिले में? मटने की जरूरत ही नहीं है, गांव में जाओ ना, पीओएस मशीन खरीदो। कह दिया 2,50,000 बढ़ाओ हमारा जा रहा है। रोहित है ना? हाँ रोहित, कमल पटेल बोल रहा हूँ, कृषि मंत्री, DMO खंडवा। हाँ खुद रहो, सुनो, हमने ये आदेश दिया था, निर्देश दिए कि आप किसानों को कोई 2,50,000 पे नहीं बुलाओगे, सीधे हम तो रेक भिजवा रहे हैं, सीधे रेक पॉइंट से खाऊं का गांव ट्रक जाएंगे, और ये पुनासा के बाद पुनासा के इसमें आयसर से भेजो छोटे वाले, और गांव गांव में पंचायत सोसाइटियाँ जितनी है। कितनी सोसाइटी तुम्हारे जिले में? 105 सोसाइटी। तो सोसाइटी वाले रेगुलर किसान को दे रही सोसाइटियाँ, आप लोग POS मशीन खरीदो। कितनी मशीन खरीदी तुमने? नहीं हाँ, तो वहीं आप किसान से पैसा लो, वहीं थंप लगाओ और सीधे ट्रक गांव के गांव भेजो, किसान को नहीं आना पड़े, घर पहुंच सेवा दो। बिल्कुल करिए, मेरा आदेश है ये, और कोई अधिकारी तुमको ऊपर से करे मना तो मेरे को बताओ, है ना? और पामाखेड़ी से लेकर हर गांव में, गांव के अंदर जाना चाहिए, किसान को भटकना नहीं पड़े। और किसान का रिजल्ट, छोटे किसान 2 बोरी 4 बोरी 6 बोरी के लिए 100 किलोमीटर क्यों आएंगे वो? चलिए करिए इसके आदेश का पालन, और कल मुझे बताइए हमने कितने कितने ट्रक गांव गांव भेजे सब। और तुमको खाद की कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा हूँ मैं, आज ही तो एक भेजती, अभी एक और आ रही रास्ते में,
ठीक है। अरे दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी व्यवस्था गड़बड़ है। तुम किसान को तीन तुम्हारे डबल लागे यहाँ क्यों बुलाते हो? सीधे गांव भिजवाओ सब जगह जितनी सोसाइटियां उनमें, और अपनी अपनी तरफ से बटवाओ, वहीं पैसा लो, थंप लगाओ और वहीं गांव में भेजो। किसान को ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा ना लगे, किसान को लाइन में नहीं लगना पड़े, और घर पहुँच सेवा, ये आदेश का पालन हो, नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा फिर तुम्हारे खिलाफ। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।